हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की थॉट ऑफ द डे है, अगर आप बहुत मुसीबतों से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते हैं। सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते हैं। तो अगर आप में आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम का सामना करना सीखो। जब प्रॉब्लम का सामना करोगे तभी आप चमकोगे एक दिन। तो आज का टॉपिक है एमएसएन का डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। डिहाइड्रेशन को हिंदी में निर्जलीकरण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? निर्जलीकरण, यानी पानी की कमी हो जाना, शरीर के अंदर फ्लूड की कमी हो जाना। एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। यानी बहुत मात्रा में एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं? एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। यानी पानी फ्लूड की बॉडी के अंदर कमी हो जाना, एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी परिभाषा है। यानी बॉडी से फ्लूड का अत्यधिक मात्रा में लॉस हो जाना क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन कहलाता है। सिक्स ग्लास ऑफ वाटर और वन और वन एंड हाफ लीटर ऑफ वाटर पर डे ऑफ द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी एक ह्यूमन पर्सन को, एक नॉर्मल व्यक्ति को कम से कम एक दिन में 6 गिलास पानी के, यानी 6 गिलास पानी और या फिर 1 से 1.5 लीटर, यहाँ पे 1 से 1.5 लीटर के समथिंग पानी पीना ही चाहिए, लेकिन ज़्यादा पीना चाहिए, 2 लीटर के करीब पानी पीना चाहिए, है ना। 1 से 2 लीटर हो सकता है, यहाँ पे 1 से 2 लीटर मान लो, 2 लीटर ज़्यादा जरूरी, कम से कम 1 से 2 लीटर पानी पीना चाहिए। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूड फ्रॉम द बॉडी। अधिक मात्रा में फ्लूड का लॉस हो जाना क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, इट आल्सो डिपेंड ऑन द एज और कैपेसिटी ऑफ पर्सन। और क्या है ये जो 1 से 2 लीटर मैंने बताया, 1 से 2 लीटर पानी, वो एज के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है ना, एज के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है। और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, बॉडी की कैपेसिटी कैसी है, उसको कितनी पानी की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग यह चेंज भी हो सकता है। इट इज क्लासीफाइड इंटू 3 पार्ट अकॉर्डिंग टू द फ्लूड लॉस। और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फ्लूड लॉस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर माइल्ड, इसके अंदर 3 पार्ट में डिवाइड किया है फ्लूड लॉस को, तो एक है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो माइल्ड में कौन से आते हैं? 1 से 2 लीटर, यानी 2% ऑफ 2% ऑफ BW। अगर 1 से 2 लीटर पानी का लॉस होता है तो माइल्ड के अंदर आता है। और अगर मॉडरेट कौन सा आता है? 3 से 5 लीटर लॉस होता है बॉडी वेट का, यह है 5% बॉडी वेट का, BW मतलब बॉडी वेट। अगर बॉडी वेट का 5% लॉस हो जाता है तो वो मॉडरेट के अंदर आता है, यानी 3 से 5 लीटर वाटर का लॉस हो जाता है। और सीवियर में कब आता है? जब 5 से 10 लीटर वाटर का लॉस हो जाता है, यानी बॉडी वेट के 8% वाटर का लॉस हो जाता है। तो माइल्ड में आता है 2% बॉडी वेट लॉस हो, यानी 1 से 2 लीटर, और मॉडरेट में 3 से 5 लीटर का लॉस होता है, यानी 5% बॉडी वेट। और सीवियर में 5 से 10 लीटर वाटर का लॉस हो जाता है, जिसमें 8% बॉडी वेट होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन
यहाँ इमेज में मैं बता देता हूँ एक बार, तो डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन जैसे अभी मैंने पढ़ाया माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, तीन भागों में डिवाइड किया गया है। माइल्ड के अंदर फीलिंग थ्रस्टी, इसके अंदर क्या होगा, फीलिंग थ्रस्टी, उसको प्यास लगेगी, फीलिंग थ्रस्टी, उसे प्यास लगेगी। उसके बाद में मूडीनेस, और उसे हेडेक होने लग जाएगा। सीवियर स्वेटिंग, उसे पसीना आने लग जाएगा, सीवियर या सॉरी मोर स्वेटिंग, मोर स्वेटिंग यानी ज़्यादा पसीना आएगा उसे। उसके बाद में ड्राई माउथ, उसका माउथ है वो ड्राई हो जाएगा, और डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन में, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसमें डिफिकल्टी होगी। तो ये माइल्ड के अंदर देखने को मिलता है, उसे क्या प्यास ज़्यादा लगती है, और प्यास ज़्यादा लगती है, उसके बाद में हेडेक होने लगता है, स्वेटिंग ज़्यादा होने लगती है, ड्राई माउथ होने लग जाता है, डिफिकल्टी टू कॉन्सेंट्रेशन में डिफिकल्टी होती है। ये कुछ चीज़ें देखने को मिलती है माइल्ड के अंदर। मॉडरेट के अंदर हेडेक वर्स, उसके अंदर हेडेक है जो बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग जाता है, वर्स कंडीशन में होने लगता है। उसके बाद में लाइट हेडेसनेस, और डार्कर यूरिन, और यूरिन का कलर क्या हो जाता है, एकदम डार्क कलर का यूरिन देखने को मिलता है। यानी अगर पेशेंट में फ्लूड कम हो जाएगा तो यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा, एकदम डार्क हो जाएगा और कम यूरिन देखने को मिलेगा। यूरिन का कलर डार्क हो जाएगा और कम देखने को मिलेगा। उसके बाद में इंक्रीज हार्ट रेट, और हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हार्ट रेट देखने को मिलेगी, HR बढ़ जाएगी। उसके बाद में रैपिड ब्रीदिंग, और जो ब्रीदिंग है वो भी बढ़ जाएगी, यानी टेकीकार्डिया देख लो, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, सॉरी टेकीपिनिया देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया और टेकीपिनिया देखने को मिलेगा, और ब्लड प्रेशर इज डिप यानी लो बीपी देखने को मिलेगा। इसके अंदर बीपी क्या हो जाएगी, लो बीपी यानी हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। तो ये है मॉडरेट के सिम्टम। मॉडरेट के अंदर क्या है, सीवियर वर्स टाइप का हेडेक होता है, और उसके अंदर डार्क कलर का यूरिन देखने को मिलता है, इंक्रीज हार्ट रेट हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है यानी टेकीकार्डिया हो जाता है, टेकीपिनिया हो जाता है, और बीपी कम हो जाता है। और उसके बाद में सीवियर के अंदर हाई फीवर देखने को मिलता है। सीवियर जब कंडीशन होती है, सीवियर कंडीशन में मैंने बताया था जब बॉडी के अंदर 8% बॉडी वेट का मतलब लॉस हो जाता है, कम से कम 8 से 10 लीटर पानी का लॉस होता है, तो इसके अंदर हाई फीवर देखने को मिलता है। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एकदम सीवियर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, 101 डिग्री फेरेनहाइट फीवर, लगभग 101 डिग्री फेरेनहाइट हो जाएगा। उसके बाद में पेशेंट को क्या, कन्फ्यूजन, क्योंकि फ्लूड लॉस हो रहा है तो ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है बॉडी के अंदर, तो पेशेंट में कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, कन्फ्यूजन, सीजर आ सकते हैं, दौरे आ सकते हैं पेशेंट को, क्या आ सकते हैं, दौरे आ सकते हैं, सीजर कन्वर्जेशन, ठीक है, दौरे आ सकते हैं। उसके बाद में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और फैटिग, फैंटिंग, कॉन्शियसनेस जा बेहोश जैसा हो सकता है, जो कॉन्शियसनेस चेतना का स्तर है वो लॉस हो सकता है, तो सेमी कॉन्शियस हो सकता है या बेहोश हो सकता है, कोमा में जा सकता है पेशेंट अगर सीवियर डिहाइड्रेट रहा तो। ये कुछ तीन टाइप के हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड के अंदर स्टार्टिंग फेज है, माइल्ड के अंदर क्या रहेगी, पेशेंट को प्यास लगना स्टार्ट हो जाएगी और उससे हेडेक होगा, हेडेक इतना सीवियर नहीं होगा, हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और माउथ क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ये कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे। उसके बाद में मॉडरेट के अंदर जो हेडेक है वो एकदम सीवियर वर्स टाइप का होगा। उसके बाद में उसमें यूरिन कलर है वो डार्क हो जाएगा, मतलब लो यूरिन आउटपुट होगा, यूरिन बहुत कम हो जाएगा बॉडी के अंदर, टेकीकार्डिया और टेकीपिनिया देखने को मिलेगा, बीपी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी क्योंकि फ्लूड कम हो गया है। और सीवियर के अंदर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा और पेशेंट को कन्फ्यूजन, सीजर
और कॉन्शियसनेस जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिल सकता है, ये कुछ सिम्टम ये डिहाइड्रेशन के टाइप के अकॉर्डिंग। उसके बाद में क्या कारण है, कारण क्या है, इटियोलॉजी क्या है, इसकी कॉज क्या है, तो द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर डिहाइड्रेशन, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो लेस ऑफ फ्लूड इनटेक, अगर कोई फ्लूड इनटेक का मतलब लेस कम मात्रा में ले रहा है, पहले से ही कम मात्रा में अगर फ्लूड इनटेक ले रहा है तो उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो सकता है ना। सबसे मेन कारण है अगर फ्लूड इनटेक वो कम मात्रा में ले रहा है, जैसे कोई पानी ही कम पी रहा है, पानी आधा लीटर पी रहा है या एक ही लीटर पी रहा है, या फिर वो अधिक काम कर रहा है और पसीने से वापस आउटपुट जो है वो ज़्यादा निकल जाता है, आउटपुट अगर बॉडी से ज़्यादा निकल रहा है और पानी इनटेक वो बहुत कम ले रहा है, यानी फ्लूड कम ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, लेस फ्लूड इनटेक। उसके बाद में इंक्रीज फ्लूड लॉस फ्रॉम द बॉडी, अगर कहीं से बॉडी से फ्लूड लॉस इंक्रीज हो जाए, ज़्यादा मात्रा में फ्लूड लॉस हो जाए, जैसे डायरिया के अंदर हो सकता है, अगर बॉडी में से फ्लूड का लॉस अधिक मात्रा में होने लग जाए, जैसे डायरिया वगैरह हो गया, डायरिया हो गई, वोमिटिंग हो गई, या कोई इंजरी हो गई जिससे ब्लीडिंग होने लग गई, है ना, डायरिया वोमिटिंग इंजरी, या कोई डायरिया हो गई वोमिटिंग, कोई ब्लीडिंग हो गई बॉडी से, ब्लीडिंग हो गई तो क्या होगा, बॉडी से फ्लूड ज़्यादा लॉस हो जाएगा, और फ्लूड ज़्यादा लॉस होगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होने के चांस है। और फीवर हो गया, पेशेंट को फीवर होता है तो भी फ्लूड लॉस होने के चांसेस है। उसके बाद में रैपिड ब्रीदिंग, हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा, और ये एक है फ्लूड लॉस के कारण है ना, किस किस कारण से रैपिड ब्रीदिंग हो जाती है, अभी मैंने पहले भी बताया था, जब फ्लूड लॉस होता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, ब्रीदिंग क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, जिसे टैकीपिनिया बोलते हैं, टैकीपिनिया बोलते हैं। उसके बाद में इंक्रीज परसिप्रेशन, मतलब स्वेटिंग ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ यह पसीना ज़्यादा आएगा, पसीना अगर किसी को ज़्यादा आ रहा है तो क्या है, बॉडी का फ्लूड लॉस अधिक होगा, तो उसके कारण भी हो सकता है, वो भी एक रीज़न हो सकता है फ्लूड का। उसके बाद में डायबिटीज इंसिपिटीज का जो पेशेंट है उसके अंदर फ्लूड लॉस होने की ज़्यादा संभावना रहती है, किडनी रीनल फेलियर का पेशेंट है उसमें हो सकती है, ज़्यादा अगर डायूरेटिक्स का यूज किया, डायूरेटिक्स कल मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में, इंजेक्शन लेसिक्स वगैरह है ना, फ्रूसामाइड जो आते हैं वो क्या करते हैं यूरिन के जो क्या करते हैं यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, तो यूरिन अगर बॉडी से ज़्यादा निकलेगा तो क्या करेगा, तो वो फ्लूड का लॉस कर देगा, जिसके कारण पेशेंट डिहाइड्रेशन में जा सकता है। उसके बाद में ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, अगर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो गया, जैसे सोडियम, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होते हैं, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड फास्फोरस, ये अगर ज़्यादा मात्रा में लॉस हो गए तो भी इम्बेलेंस होने के कारण भी क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। लॉस ऑफ साल्ट, सोडियम ज़्यादा लॉस हो गया बॉडी से तो भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। बाई इन्फ्यूजन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक और एक होता है हाइपरटोनिक, है ना, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक और एक होता है हाइपो, एक होता है हाइपो, एक होता है हाइपर, एक होता है हाइपो, एक होता है आइसोटोनिक, आइसोटोनिक। तो ये तीन टाइप के फ्लूड होते हैं। आइसोटोनिक के अंदर आते हैं आरएल, एनएस वगैरह, जो एनएस आती है नॉर्मल सलाइन, आरएल ये किस में आते हैं, आइसोटोनिक में आते हैं, है ना, ये आइसोटोनिक में आते हैं। और हाइपरटोनिक के अंदर कौन से आते हैं, हाइपरटोनिक के अंदर आते हैं आइसोटोनिक के अंदर आते हैं आरएल और एनएस वगैरह, और हाइपरटोनिक के अंदर आते हैं डीएनएस वगैरह, डीएनएस वगैरह हाइपरटोनिक के अंदर आते हैं, और हाइपोटोनिक के अंदर आते हैं एनएस 0.3% एनएस वाली और 4.5% वाली एनएस, ये किस में आते हैं, हाइपरटोनिक में आते हैं, ये आते हैं हाइपरटोनिक में।
हाइपरटोनिक में आते हैं 3% वाली अनस, सॉरी यहां मैंने उल्टा बता दिया, एक मिनट, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं वो होती है एनएस 3% एनएस, 3% एनएस और एनएस 4.5% एनएस, ये होती है हाइपरटोनिक। और हाइपोटोनिक जो होती है वो होती है डीएनएस वगैरह, डीएनएस वगैरह जो होती है वो हाइपोटोनिक होती है, जो डीएनएस होती है डीएनएस वो होती है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक कौन सी होती है? डीएनएस, और ये होती है हाइपोटोनिक्स। उसके बाद में पोस्ट पोस्ट बर्न ब्लड लॉस, अगर बर्न हो गया है, बर्न के कारण भी क्या हो सकता है, जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसका लॉस हो सकता है, तो उसके कारण भी हो सकता है, उसके कारण भी हो सकता है ना, पोस्ट बर्न ब्लड लॉस उसके कारण हो सकता है, क्रोनिक इलनेस के कारण हो सकता है, क्रोनिक इलनेस के कारण हो सकता है। तो बर्न के कारण हो सकता है, अगर कोई पेशेंट जल गया तो उसके कारण हो सकता है, और क्रोनिक इलनेस के कारण हो सकता है, और क्रोनिक माल न्यूट्रिशन के कारण हो सकता है, किसी पेशेंट में क्रोनिक माल न्यूट्रिशन है तो उसके कारण भी हो सकता है, किसी पेशेंट में अगर माल न्यूट्रिशन है यानी कुपोषण है, कुपोषण है तो उसके कारण भी हो सकता है। अब है नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, तो क्लिनिकल फीचर मतलब लक्षण, इसके लक्षण क्या है, क्लिनिकल फीचर मतलब है लक्षण क्या है, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो इसके लक्षण है वेट लॉस, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, एडिमा के अंदर तो क्या होता है, जब बॉडी के अंदर सूजन आ जाती है तो वेट बढ़ता है, लेकिन यहां से फ्लूड का लॉस हो रहा है ना, फ्लूड का अगर लॉस हो रहा है, फ्लूड का अगर लॉस हो रहा है तो क्या होगा, फ्लूड का अगर लॉस हो रहा है तो क्या होगा, तो उसके कारण क्या होगा, आपको वेट लॉस देखने को मिलेगा, बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस होगा। इज ए रिएबल सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन, वेट लॉस सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम है वो है वेट लॉस, वजन का क्या हो जाना, कम हो जाना, वजन कम होना क्या कहलाता है, वजन कम होना ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है, रिएबल है ना, और द पर्सन वेट डिक्रीज ड्रास्टिकली इन ए फ्यू डेज, वेट लॉस मोर देन 10% इज सीरियस सिम्टम्स, अगर किसी का वेट लॉस 10% से अधिक हो रहा है तो वो एक सीरियस सिम्टम है, वेट लॉस मोर देन 10%, अगर बॉडी वेट के 10% से ज़्यादा वेट लॉस हो जाए तो वो एक सीरियस सिम्टम होने लग जाता है, उसमें पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग का खतरा रहता है। अदर सिम्टम एज फॉलो, यहाँ पे कुछ सिम्टम बता देता हूँ, जैसे पेशेंट को क्या लगेगी और कैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे, पेशेंट क्या हो जाएगा, जैसे ही डिहाइड्रेट होगा तो पेशेंट को थ्रस्ट लगेगा, क्या होगा, थ्रस्ट, प्यास लगेगी, उसके बाद में माउथ क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ड्राई माउथ, ड्राई माउथ हो जाएगा, उसके बाद में जो है टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, और हेडेक देखने को मिलेगा, हेडेक हो जाएगा, स्किन कैसे हो जाएगी, स्किन ड्राई हो जाएगी, स्किन ड्राई हो जाएगी, और यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, यूरिन आउटपुट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा,
डिक्रीज कम हो जाएगा ना, ये कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे। और डिहाइड्रेशन के अंदर यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्यास लगेगी, अधिक प्यास लगेगी, ड्राई माउथ हो जाएगा, रैपिड हार्ट रेट हो जाएगी, हार्ट रेट तेज हो जाएगी, हेडेक होगा, ड्राई स्किन हो जाएगी, इंक्रीज आउटपुट होगा, ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद में सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन एंड प्रिवेंशन, डिहाइड्रेशन के सिम्टम और प्रिवेंशन क्या करना चाहिए। तो सिम्टम्स अभी मैंने बताए थे, ड्राई माउथ और एंड आई, ड्राई स्किन हो सकती है, कंडीशन देयर स्वेटिंग नियरली स्टॉप है ना, ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो सकती है। उसके बाद मसल्स क्रेम्स आ सकते हैं, डिहाइड्रेशन होने के कारण मसल्स क्रेम आने लग जाते हैं, और नोजिया हो सकती है, रैपिड हार्ट रेट यानी हार्ट पाल्पिटेशन हो सकता है, और लाइट हेडनेस हो सकता है, मतलब हेडेक वगैरह हो सकता है। अगर इनको बचाना है तो क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन के लिए ड्रिंक वाटर, जल्दी जल्दी क्या पानी पीना चाहिए, टेक लिक्विड डाइट, लिक्विड डाइट अधिक मात्रा में लेनी चाहिए, ड्रिंक जूस यानी वाटर अधिक मात्रा में लेने चाहिए, पानी ज्यादा मात्रा में पीना चाहिए, पानी क्या है ज्यादा मात्रा में पीना चाहिए। और ड्रिंक जूस, जूस वगैरह ज्यादा पीना चाहिए, जूस वगैरह ज्यादा पीना चाहिए, जूसेस ज्यादा पीना चाहिए। ईट फ्रूट लाइक वाटरमेलन, वाटरमेलन क्या होता है, तरबूज, वाटरमेलन ऐसे फ्रूट्स ना खाने चाहिए जिसमें क्या है पानी ज्यादा हो, तो ऐसे फ्रूट लेने चाहिए। अगर डिहाइड्रेशन बचना है तो वाटर अच्छे से पीना चाहिए, ड्रिंक वाटर, लिक्विड डाइट अच्छे लेने चाहिए, ड्रिंक जूस, जूस वगैरह पीना चाहिए, और वाटर मेलन वगैरह जैसे फ्रूट, जैसे तरबूज वगैरह जिसमें पानी अधिक मात्रा में हो, ऐसे फ्रूट्स वगैरह अधिक मात्रा में लेने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट तो इफेक्ट ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा तो स्लो क्या हो जाएगी, पल्स, पहले स्लो पल्स देखने को मिलेगी है ना, फिर टेकीकार्डिया देखने को मिलता है, लेकिन स्लो पल्स हो जाएगी, रिड्यूस ब्लड प्रेशर। कार्डियोवैस्कुलर में क्या होगा, स्लो पल्स हो जाएगी, स्लो पल्स होगी, लेकिन बाद में क्या देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया ही देखने को मिलता है इसमें, टेकीकार्डिया, फिर इंक्रीज हार्ट रेट हो जाती है, स्लो पल्स हो जाएगी पहले, उसके बाद में टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, उसके बाद में रिड्यूस ब्लड प्रेशर, बीपी क्या हो जाएगी, बीपी कम हो जाएगी ना, बीपी कम हो जाएगी, जिसे अभी पहले भी बताया था हाइपोटेंशन कहते हैं। उसके बाद में वीक पल्स, पल्स क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, जो पल्स है वो वीक सुनाई देगी, लेकिन यहाँ पे टेकीकार्डिया देखने को मिलता है, स्लो पल्स नहीं होती है, उसमें टेकीकार्डिया देखना है, इंक्रीज पल्स रेट हो जाएगी और वीक जरूर सुनाई देगी, वो पल्स है वो वीक सुनाई देगी लेकिन वो तेज हो जाएगी। ये कुछ रेस्पिरेटरी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में डिहाइड्रेशन के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे डिहाइड्रेशन के, तो इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, श्वसन क्रिया ज़्यादा हो जाएगी, जिसे क्या बोलते हैं, एक वर्ड में कहते हैं टेकीपिनिया। टेकीपिनिया बोलते हैं। उसके बाद में इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो लेवल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो मैंने बताया था कॉन्शियसनेस क्या है, चेतना है ना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होने लगेगा। अगर फ्लूड लॉस होता है तो कॉन्शियस जो माइंड का लेवल है, कॉन्शियस जो चेतना का स्तर है, वो कम होने लग जाएगा, क्योंकि फ्लूड क्या करता है, बॉडी के अंदर जैसे ब्लड होता है, ब्लड के अंदर मैंने बताया था, ब्लड के अंदर भी क्या होता है, वाटर रहता है, तो अगर बॉडी के अंदर फ्लूड ही कम हो गया, ब्लड ही कम हो गया, तो क्या होगा, और ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है हर जगह, जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो कॉन्सेंट्रेशन में कमी आएगी, जैसे माइंड में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो फिर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा और वो कॉन्शियस लेवल है उसका कम हो जाएगा, ये एक रीजन हो सकता है। उसके बाद में इफेक्ट ऑन द रीनल सिस्टम, रीनल सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, डिहाइड्रेशन के कारण क्या हो जाएगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा है ना, डिहाइड्रेशन के कारण यूरिन आउटपुट कम देखने को मिलेगा। टू रिड्यूस यूरिन आउटपुट इन सीवियर डिहाइड्रेशन कैन बी लीड किडनी डैमेज,
और जब क्या हो सकता है, जब यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा कम होता है तो उसके कारण क्या हो सकती है, किडनी क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, किडनी डैमेज हो जाएगी, किडनी खराब हो जाएगी, किडनी फेलियर हो सकता है एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ये डिहाइड्रेशन की कंडीशन क्या होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, इसके कारण क्या हो सकती है, किडनी खराब हो सकती है। इसलिए पानी प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए, फ्लूड इंटेक अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। उसके बाद में स्किन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, त्वचा पे क्या इफेक्ट पड़ता है स्किन पर, तो ड्राई स्किन और ड्राई माउथ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर क्या हो जाएगी, स्किन क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, क्योंकि वाटर लॉस हो गया तो स्किन ड्राई देखने को मिलेगी और उसका माउथ भी क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, माउथ भी ड्राई हो जाएगा क्योंकि फ्लूड का लॉस हो गया है। तो लॉस ऑफ स्किन और लूज स्किन हो जाएगी, पुअर ट्रिगर्स देखने को मिलेंगे, स्किन क्या हो जाएगी, एकदम लूज हो जाएगी क्योंकि उसके वाटर का लॉस हो गया तो स्किन लूज हो जाएगी। इसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीज थ्रस्ट, इसके अंदर क्या होगा, थ्रस्ट जो है, प्यास है वो ज्यादा हो जाएगी, प्यास बढ़ जाएगी, थ्रस्ट बढ़ेगी ना, जब पानी की कमी होती है तो अपने आप बॉडी में क्या हो जाएगा, प्यास की जो थ्रस्ट की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद में अगर बॉडी में फ्लूड लॉस हो गया, पानी की कमी हो गई, तो पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, कब्जी हो जाएगी पेशेंट को, क्यों हो जाएगी, क्योंकि फ्लूड का लॉस हो गया है, मतलब फ्लूड कम हो गया बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर भी पानी की कमी हो जाएगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में रिड्यूस बाउल साउंड, और कॉन्स्टिपेशन होने के कारण बाउल साउंड है, जो स्टमक के बाउल साउंड सुनाई दे रहे थे वो भी कम हो जाएंगे, ये भी कम हो जाएंगे। तो इसका कैसे पता लगाओगे, डायग्नोसिस कैसे करोगे, अगर डिहाइड्रेशन हो गया है किसी पेशेंट को तो डायग्नोसिस कैसे करोगे, डायग्नोसिस करने के लिए डिहाइड्रेशन कैन बी डायग्नोस बाय द क्लिनिकल सिम्टम ब्लड टेस्ट, है ना, डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं, तो डिहाइड्रेशन कैन बी डायग्नोस बाय द क्लिनिकल सिम्टम। सबसे पहले क्लिनिकल सिम्टम से पता लगा सकते हो कि पेशेंट के सिम्टम्स, जैसे पेशेंट के सिम्टम आएंगे, मैंने सिम्टम्स पढ़ाए हैं, ड्राई माउथ है ना, ड्राई माउथ और क्या होते हैं, ड्राई माउथ और स्किन ड्राई हो जाती है, और क्या सिम्टम देख लेंगे, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा और स्किन का कैसी हो जाएगी, स्किन लूज हो जाएगी है ना, स्किन लूज हो जाएगी, ऐसे कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे, और टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा और टेकीपिनिया देखने को मिलेगा। ये सिम्टम्स से भी अपन पता लगा सकते हैं कि उसमें डिहाइड्रेशन है कि नहीं है, है ना। उसके बाद में ब्लड लॉस, सॉरी ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट के अंदर क्या होता है, ब्लड टेस्ट के अंदर अपन देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं पेशेंट का, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या देखते हैं, सोडियम पोटेशियम देखते हैं, सोडियम पोटेशियम वगैरह देखते हैं, तो उसके कारण भी हम ब्लड टेस्ट से पता लगा सकते हैं। कैन बी आइडेंटिफाई बाय यूरिन टेस्ट, और पेशेंट का यूरिन टेस्ट करके भी पता लगा सकते हैं अपन, यूरिन टेस्ट करके भी, यूरिन अगर कम आ रहा है, येलो आ रहा है, डार्क येलो आ रहा है बहुत कम मात्रा में, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर उसकी बढ़ गई है, कम हो गई है, तो उससे भी पता लगा सकते हैं। उसके बाद में हीमोक्रिट लेवल, बॉडी के अंदर हीमोक्रिट लेवल से भी पता लगा सकते हैं, ब्लड टेस्ट से ही होता है ये भी, क्या होता है, ब्लड टेस्ट से होता है, तो अगर इसका लेवल 50 से कम आ रहा है तो वो डिहाइड्रेशन को शो करता है। उसके बाद में सीरम सोडियम लेवल, अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या देखते हैं, सोडियम देखते हैं, सोडियम है ना, सोडियम देखते हैं, तो सोडियम लेवल क्या हो जाएगा, अगर 150 हो जाए, 150 मिली इक्विवेलेंट हो जाए, तो अदर इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल भी हाई, और सोडियम अगर ज़्यादा हो जाए, ये सोडियम का नॉर्मल कितना लेवल होता है, 135 से 145 के करीब होता है, तो अगर ये ज़्यादा हो जाए तो अदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम हो सकते हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है, लेवल हाई हो सकता है। और राइज सीरम क्या हो सकता है, सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, BUN का मतलब है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये RFT का टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, RFT किडनी फंक्शन टेस्ट है ना, रीनल फंक्शन टेस्ट, सॉरी RFT मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट, और इसको अपन KFT भी बोल सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो उसके अंदर देखते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, और क्या देखते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के अलावा अपन देखते हैं इसके अंदर क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के अलावा इसमें अपन देखते हैं क्रिएटिनिन भी देखते हैं। RFT के अंदर दो चीजें देखी जाती है, एक तो देखा जाता है
ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और देखा जाता है क्रिएटिनिन। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन नॉर्मल कितना होता है, तो 7 से 20 जो है मिलीग्राम पर डेसीलीटर एमजी पर डीएल, 7 से 20 एमजी पर डीएल नॉर्मल होता है। उसके बाद में क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन जो होता है नॉर्मल कितना होता है बॉडी के अंदर, क्रिएटिनिन होता है 0.7 से होता है 1.3 mgdl, 0.7 से 1.3 mgdl ये होता है क्रिएटिनिन नॉर्मल होता है। तो ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन ये दो चीजें देखते हैं आरएफटी के अंदर। तो ये नॉर्मल होता है 7 से 20 mgdl और क्रिएटिनिन अगर नॉर्मल होता है तो 0.07 से 1.3 mgdl ये होता है नॉर्मल। उसके बाद में द फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन फ्रॉम फिजिकल एग्जामिनेशन, और फिजिकल एग्जामिनेशन से भी अपन पता लगा सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या करेंगे, तो फिजिकल एग्जामिनेशन मैंने पढ़ा चुका हूँ फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर बीपी लो आ रही है ना, तो डिहाइड्रेशन को शो करता है। लो ब्लड प्रेशर है तो डिहाइड्रेशन को शो करता है कि बीपी कम हो गई है, हाइपोटेंशन हो गया पेशेंट को। डिक्रीज स्किन ट्रिगर है वो डिक्रीज हो गया तो वो क्या डिहाइड्रेशन को शो करता है। उसके बाद में जो कैपिलरी रिफिल टाइम है वो अगर ज़्यादा हो जाए, डिले हो जाए, कैपिलरी रिफिल टाइम है वो डिले हो जाए, अगर कैपिलरी रिफिल टाइम डिले हो जाए तो वो भी क्या करता है डिहाइड्रेशन को शो करता है। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद में है ट्रीटमेंट क्या करोगे, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड डिहाइड्रेशन में क्या ट्रीटमेंट करते हैं, तो माइल्ड डिहाइड्रेशन में प्लेंटी ऑफ लिक्विड, यानी अगर किसी पेशेंट को माइल्ड डिहाइड्रेशन है, स्टार्ट में मैंने पढ़ाया था माइल्ड डिहाइड्रेशन क्या होता है, जिसमें क्या पेशेंट को थ्रस्ट वगैरह लगने स्टार्ट हो जाती है, हेडेक होता है, तो इसके अंदर इतना ज़्यादा वाटर का लॉस नहीं होता है, तो इसके अंदर प्लेंटी ऑफ लिक्विड यानी ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड दिया जाए, वाटर दिया जाए, आइस पीसेस दिया जाए, जूस दिया जाए, तो इससे क्या हो सकता है डिहाइड्रेशन कम हो सकता है। आर गिवन, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या देना है, पानी देना है, आइस देनी है और जूस देना है। उसके बाद में फ्लूड का इन्फ्यूजन कर सकते हैं 2 से 5 लीटर पर डे कितना कर सकते हैं 2 से 5 लीटर, यानी फ्लूड दे सकते हैं, आईवी फ्लूड दे सकते हैं 2 से 5 लीटर पर डे, इज डन थ्रू बाय आईवी यानी इंट्रावेनस के थ्रू, वेन के द्वारा, ठीक है। आईवी इन्फ्यूजन 2 से 5 लीटर पर डे इज डन थ्रू बाय आईवी फॉर पेशेंट विथ सीवियर डिहाइड्रेशन, अगर पेशेंट सीवियर डिहाइड्रेट है, ये तो हो गया माइल्ड के अंदर आप क्या है ओरली देंगे। अगर माइल्ड के अंदर कैसे देते हैं पेशेंट को, ओरली देते हैं, वाटर दे सकते हैं, ORS भी दे सकते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS भी दे सकते हैं। उसके बाद में सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया तो उसे 2 से 5 लीटर पर डे क्या देना चाहिए, आई फ्लूड देना चाहिए सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर, यूज टू ट्रीट बाय डिहाइड्रेशन। उसके बाद में और कैसे ट्रीट कर सकते हो, अगर पेशेंट को डायरिया हो रहा है, अगर डिहाइड्रेशन डायरिया की वजह से हो रहा है तो क्या देंगे, एंटी डायरियल ड्रग्स देंगे जैसे लोमोटिल वगैरह आती है, एंटी डायरियल ड्रग्स देंगे। और अगर पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उसके कारण क्या देंगे पेशेंट को, एंटी वोमिटिंग मेडिसिन देंगे, एंटी इमेटिक्स
एंटी इमेटिक्स मेडिसिन देंगे। एंटी इमेटिक्स में कौन सी आती है, एमिसेट आती है, ओंडासेट्रोन एमिसेट है ना। ओंडासेट्रोन और एमिसेट ये आती है, 4 mg 8 mg इतनी आती है, इसके इंजेक्शन भी आते हैं। उसके बाद में रेंटेक, रेंटेक तो एंटासिड में आ जाता है, रेगलान आ सकता है, तो ये कुछ ड्रग्स है। उसके बाद में एंटीपायरेटिक्स, अगर पेशेंट को ज़्यादा फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन दे सकते हैं, तो एंटीपायरेटिक में पीसीएम वगैरह आती है। उसके बाद में पेशेंट, वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट शुड बी चेक एवरी 2 to 4 hours, हर 2 से 4 घंटे में पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करने, वाइटल साइंस में TPR BP। ये हर 2 से 4 घंटे के अंदर चेक करना है। उसके बाद में द वेट ऑफ द पेशेंट शुड बी चेक डेली, और पेशेंट का वेट है वो डेली चेक करना है, वेट क्या करना है, डेली चेक करना है। द वेट ऑफ द पेशेंट शुड बी चेक डेली, वेट लॉस ऑफ 5 to 6 kg कैन बी लीड सीवियर डिहाइड्रेशन। अगर पेशेंट का 5 से 6 kg वेट लॉस हो रहा है तो वो क्या शो करता है, सीवियर हाइड्रेशन को शो करता है। जैसे पेशेंट का डेली वेट चेक करेंगे और वेट चेक करने पे देखने को मिल रहा है कि 5 से 6 kg वेट लॉस हो गया, तो वो सीवियर डिहाइड्रेशन को क्या करता है, शो करता है कि वो सीवियर डिहाइड्रेट हो रहा है पेशेंट। उसके बाद में मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या करोगे, प्रमोशन मैनेजमेंट कैसे करोगे, तो मैनेजमेंट के अंदर है पहला, फर्स्ट है पेशेंट इनटेक आउटपुट चार्ट शुड बी मॉनिटर, यानी पेशेंट का इनटेक आउटपुट चार्ट मॉनिटर करना है। कल भी मैंने बताया था, पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि इनटेक कितना इनटेक ले रहा है पेशेंट, ओरली इनटेक ले रहा है, कितना आईवी ले रहा है, सब इसके अंदर लिखे जाते हैं। आईवी फ्लूड कितना गया बॉडी के अंदर, ओरली कितना गया, ठीक है, वो इनटेक के अंदर आता है। आईवी फ्लूड भी इनटेक में ही आते हैं, और आउटपुट में बॉडी से कितने बाहर निकल रहे हैं वो सारे आउटपुट में आते हैं, यूरिन के द्वारा, स्टूल के द्वारा, वोमिटिंग के द्वारा, है ना, वोमिटिंग के द्वारा हो सकते हैं, यूरिन स्टूल के द्वारा, वोमिटिंग के द्वारा और स्वेटिंग के द्वारा, ये आउटपुट में आता है। इनटेक में आईवी के द्वारा, ओरली कितना लिया, ओरली में वाटर जूस वगैरह कॉफ़ी सब कुछ आती है, ठीक है। तो इसका अच्छे से चार्ट मेंटेन करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ गलती होगी आउटपुट इनटेक में तो प्रॉब्लम आ सकती है, पता नहीं चलेगा कितना आउटपुट है कितना इनटेक है। इफ़ द अमाउंट ऑफ यूरिन इज ओनली 250 ml इन 8 hours, अगर 8 घंटे में यूरिन कितना आ रहा है, 250 ml ही आ रहा है। अगर यूरिन की अमाउंट है 250 ml कितने घंटे में आ रहा है, 8 घंटे में ही आ रहा है, तो वो क्या शो करता है, डिहाइड्रेशन को शो करता है ना। यानी 1 घंटे में लगभग लगभग कितना हो जाएगा, 30 से कम आ रहा है ना। इफ द अमाउंट ऑफ यूरिन ओनली 250 ml इन 8 hours, तो प्रिपरेशन फॉर रिहाइड्रेशन शुड बी डन इमिडिएटली, क्योंकि अगर यूरिन आउटपुट अगर 30 ml से 1 घंटे में 30 ml से कम आ रहा है और 8 घंटे में 250 ml से कम आ रहा है, तो उसे क्या करना है, रिहाइड्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि आईवी पेशेंट का आउटपुट कम आ रहा है, तो हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ फ्लूड एवरी ओवर, और एवरी ओवर पेशेंट को क्या है, प्लेंटी ऑफ फ्लूड देना है, मतलब लिक्विड वाटर वगैरह जूस वगैरह देना है, तो ये हर घंटे में देना है अगर डिहाइड्रेशन का पेशेंट है। पेशेंट शुड बी प्रोवाइडेड विद द ड्रिंक ऑफ हिज चॉइस, और उसके चूज के अकॉर्डिंग, मतलब जैसा उसको अच्छा लगता है वैसा ड्रिंक दे के उसका डिहाइड्रेशन कम कर सकते हैं। उसके बाद में ओरल केयर, ओरल केयर बहुत जरूरी है, माउथ की केयर, ओरल केयर शुड बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट एवरी 2 hours, और उसको ओरल केयर देनी चाहिए हर 2 घंटे से,
इसके बाद में नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ फ्लूड इनटेक शुड बी केयरफुली रिकॉर्डेड। अभी मैंने बताया था इनटेक आउटपुट चार्ट में अगर इनटेक की जो अमाउंट है वो एकदम केयरफुली और आउटपुट की भी केयरफुली ही रीडिंग करनी चाहिए हमेशा। आल्सो आउटपुट शुड बी केयरफुली रिकॉर्डेड, ये देखो यही बताया गया है, दोनों में इनटेक आउटपुट हमेशा केयरफुली क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ गड़बड़ आई तो पेशेंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, तो वो एक रीजन है। तो इन केस ऑफ सीवियर कंडीशन फ्लूड शुड बी रिस्टोर बाय आईवी इन्फ्यूजन। और अभी पहले भी बता चुका हूँ मैं, अगर पेशेंट सीवियर डिहाइड्रेट है, पेशेंट सीवियर कंडीशन में है, गंभीर स्थिति में है, तो क्या करना चाहिए, आईवी फ्लूड जो है उसके द्वारा, आईवी इन्फ्यूजन के द्वारा उसको डिहाइड्रेशन से बचाया जा सकता है, उसे रिस्टोर किया जा सकता है। आईवी फ्लूड देना चाहिए पेशेंट को। उसके बाद में नेक्स्ट, सुटेबल मेडिसिन शुड बी गिवन टू द पेशेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन और वोमिटिंग। यह भी मैंने पहले भी बताया, ट्रीटमेंट में और अगर पेशेंट को डायरिया वोमिटिंग वगैरह हो रही है तो उसे सुटेबल मेडिसिन देनी चाहिए, यह रोकने के लिए, डायरिया और वोमिटिंग रोकने के लिए, तो डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है। तो सेफ इन्वायरमेंट शुड बी प्रोवाइड टू द पेशेंट, और पेशेंट को हमेशा सेफ इन्वायरमेंट, वातावरण, अच्छा वातावरण, साफ सुथरा वातावरण प्रोवाइड करना चाहिए पेशेंट को, सेफ इन्वायरमेंट। अगर ओटू थेरेपी शुड बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाना, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, तो ऑक्सीजन की कमी होती है फ्लूड लॉस के कारण भी हो सकती है ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि बॉडी में फ्लूड लॉस हो गया। अभी पहले भी बताया था मैंने, फ्लूड लॉस होता है, अगर बॉडी में फ्लूड का लॉस होता है तो ब्लड भी कम हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, O2 की कमी हो जाएगी, क्योंकि ब्लड वगैरह है ना ब्रेन में और बॉडी में हर जगह पार्ट में ऑक्सीजन को लेके जाता है, और उसके कारण हाइपोक्सिया हो सकता है, और हाइपोक्सिया हो गया तो पेशेंट को O2 थेरेपी देनी चाहिए, ऑक्सीजन देनी चाहिए। द पेशेंट शुड बी एडवाइज नॉट टू एक्सरसाइज इन हॉट वेदर, पेशेंट को एडवाइज करना है गर्म वेदर, मतलब गर्मी जहाँ ज़्यादा हो, हॉट वेदर हो, वहाँ पे एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होगी तो पसीना ज़्यादा आएगा ना, स्वेटिंग ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे एक्सरसाइज करोगे तो क्या, पसीना ज़्यादा आएगा तो डिहाइड्रेट हो जाएगा, व्हेन मोर नेसेसरी, अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो डिहाइड्रेट यानी हॉट जगह पे एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा स्वेटिंग हो जाएगी और पेशेंट डिहाइड्रेट हो सकता है। इट शुड एडवाइज ड्रिंक 250 ml ऑफ कोल्ड वाटर एवरी 15 मिनट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, 250 ml ऑफ कोल्ड वाटर एवरी 15 मिनट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, हर 15 मिनट से क्या करनी चाहिए, 250 ml, 250 ml पानी पीना है, ठंडा पानी पीना है ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दौरान। नेसेसरी हेल्थ टीचिंग शुड बी प्रोवाइड टू द पेशेंट, और उसके ज़रूरत के हिसाब से उसे हेल्थ टीचिंग देनी चाहिए, हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए कि डिहाइड्रेशन से कैसे बचा जा सकता है, ये सब कुछ एडवाइस करना चाहिए। तो एक बार वापस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, क्लास को रिपीट कर देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं, डिहाइड्रेशन एक्सेसिव फ्लूड लॉस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, अगर एक्सेसिव मात्रा में फ्लूड लॉस हो रहा है बॉडी से तो उसे क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। और उससे क्या हो सकता है, कम से कम 6 glasses ऑफ वाटर पर डे ऑफ द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हमसे कम से कम 6 glasses वाटर लेना चाहिए नॉर्मल फंक्शन के लिए। अब इसको 3 भागों में डिवाइड किया था, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के अंदर मैंने अलग अलग सिम्टम बताए थे, इसके अंदर फीलिंग थ्रस्टी यानी प्यास अधिक लगती है माइल्ड के अंदर, हेडेक हो सकता है, मोर स्वेटिंग हो सकती है, ड्राई माउथ वगैरह हो सकता है। उसके बाद में मॉडरेट के अंदर सीवियर हेडेक होता है, यूरिन कम होने लगता है, टेकीकार्डिया, टेकीपिनिया, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। उसके बाद में सीवियर डिहाइड्रेशन में हाई फीवर हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, सीजर वगैरह आ सकते हैं और कॉन्शियस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है। इटियोलॉजी, क्या कारण हो सकते हैं, तो कारण में
लेस फ्लूड इंटेक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, फ्लूड इंटेक अगर कम लिया तो पेशेंट क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। उसके बाद में इंक्रीज फ्लूड लॉस फ्रॉम द बॉडी, अगर फ्लूड लॉस बॉडी से इंक्रीज हुआ, जैसे ब्लीडिंग हो गई, कोई इंजरी हुई, कोई चोट लगी, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, फ्लूड लॉस इंक्रीज हो सकता है। डायरिया हो गया, ज़्यादा डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो उसके कारण भी फ्लूड का लॉस हो सकता है। तो ये एक रीज़न हो गया। फीवर वगैरह आ जाएगा, उसके कारण रैपिड ब्रीदिंग देखने को मिलेगा, और इंक्रीज अगर स्वेटिंग ज़्यादा हुई, पसीना ज़्यादा है, तो उसके कारण ही हो सकता है, किडनी फेलियर के कारण हो सकता है। उसके बाद में डायबिटिक्स के कारण हो सकता है, ये रीज़न हो सकते हैं। उसके बाद में पेशेंट अगर माल एब्जॉर्ब्स है तो उसके कारण हो सकता है, और बर्न जल गया पेशेंट तो भी फ्लूड लॉस हो सकता है, बॉडी में फ्लूड लॉस हो जाता है। पेशेंट अगर ऊपर से जल गया, सुपरफिशियल स्किन जल गई है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, इंट्रा सेलुलर फ्लूड पढ़ाए थे मैंने, हो गए लॉस हो जाते हैं, तो उसके कारण भी हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है सिम्टम, मैंने बताए थे इसके अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। थ्रस्ट हो जाएगी, ड्राई माउथ हो जाएगा, और टेकिकार्डिया, हेडेक, ऐसे यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, ये स्किन इंटीग्रिटी देखने को मिलेगी। और इनसे बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी देना चाहिए, लिक्विड डाइट देना चाहिए, और वाटरमेलन वगैरह फ्रूट देने चाहिए। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या हो जाएगा, टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, और लो बीपी देखने को मिल सकता है, वीक पल्स देखने को मिल सकती है, रेस्पिरेशन में टेकीपीनिया देखने को मिल सकता है, नर्वस सिस्टम पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या देखने को मिल सकता है। उसके बाद में जो है रीनल सिस्टम है, वहाँ पे क्या यूरिन आउटपुट कम होने की वजह से क्या किडनी डैमेज हो सकती है, रीनल फेलियर भी हो सकता है। उसके बाद में स्किन पे ड्राई स्किन हो जाएगी, और ड्राई माउथ हो जाएगा, और लूज स्किन हो जाएगी। उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो जाएगी, थ्रस्ट बढ़ जाएगी, और कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, और क्या हो सकता है, बाउल साउंड रिड्यूस हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। डायग्नोसिस कैसे करोगे, डायग्नोसिस करेंगे अपन क्लिनिकल सिम्टम देख के, कैसे सिम्टम्स है उसके अंदर, ओ से देख के हम पता लगा सकते हैं सिम्टम देख के, ब्लड टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं, यूरिन टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल देख के पता लगा सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट चेक करके हम पता लगा सकते हैं। ये कुछ डायग्नोसिस टेस्ट है, उसके कारण भी पता लगा सकते हैं। उसके बाद में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वगैरह मैंने बताया था, किडनी आरएफटी के टेस्ट होते हैं, नॉर्मल 7 से 20 होता है, और क्रिएटिनिन जो होता है वो होता है 0.7 से 1.3 एमजीपीएल। और उसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसके अंदर बीपी कम निकलेगी, स्किन ट्रिगर्स है वो डिक्रीज हो जाएगी, और कैपिलरी रिफिल टाइम है वो भी क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। ट्रीटमेंट में हमेशा क्या देते हैं, सीवियर और सीवियर नहीं है, माइल्ड और मॉडरेट है, तो वहाँ पे आप ORS लिक्विड डाइट देके आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो, ORS दे सकते हो, लिक्विड डाइट दे सकते हो। और अगर सीवियर डिहाइड्रेट है तो उसको आईवी फ्लूड देना चाहिए। आईवी फ्लूड कैसे देना चाहिए, 2 से 2 से 5 लीटर पर डे देना चाहिए सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर। और अगर अदर सिम्टम की वजह से डायरिया, वोमिटिंग, इनकी वजह से अगर हो रहा है तो उनको एंटी डायरियल मेडिसिन दे सकते हैं, और एंटीबायोटिक ड्रग्स दे सकते हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग्स दे सकते हैं। तो इनकी वजह से इनको कंट्रोल करके भी डिहाइड्रेशन से बचाया जा सकता है। पेशेंट का वाइटल साइंस हर 2 से 4 घंटे में चेक करना चाहिए। वेट लॉस एक रीजन है, तो वेट लॉस मॉनिटर करना चाहिए। वेट लॉस अगर 5 से 6 केजी हो रहा है तो वो डिहाइड्रेशन को शो करता है। तो आप मैनेजमेंट में क्या करेंगे, इंटेक आउटपुट चार्ट हमेशा स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे, इंटेक आउटपुट चार्ट। उसके बाद में यूरिन इज ओनली 250 ml इन 8 आवर, अगर 8 आवर में 8 घंटे में 250 ml ही यूरिन आ रहा है तो वो डिहाइड्रेशन को शो करने लगता है, तो आउटपुट बढ़ाना है, और 1 घंटे में 30 ml के करीब हो सकता है। उसके बाद में पेशेंट क्या करना है, प्रोवाइड विद ड्रिंक, उसके जैसा पानी पीना चाहता है वैसा, या जूस वगैरह पीना चाहता है उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए। ओरल केयर 2 घंटे से करनी चाहिए, इंटेक आउटपुट वगैरह अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद में सूटेबल मेडिसिन देनी चाहिए डायरिया वोमिटिंग के लिए, और इन्वायरमेंट अच्छा देना चाहिए, ऑक्सीजन थेरेपी देनी चाहिए। अगर O2 की कमी हो रही है पेशेंट के अंदर, हाइपोक्सिया देखने को मिल रहा है, तो ऑक्सीजन थेरेपी देनी चाहिए, और होट वाटर, जो होट वेदर है, गर्मी वाले एरिया है, वहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए पेशेंट को मना करना चाहिए। अगर वो कर रहा है तो उसे 250 ml कोल्ड वाटर एवरी 15 मिनट डूइंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के बीच में उसको 15 मिनट से 250 ml कोल्ड वाटर पीना चाहिए, और नेसेसरी हेल्थ टीचिंग वगैरह देनी चाहिए।
तो थैंक यू सो मच, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।